दोस्तों आज हम बात करेंगे GTL लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। GTL के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे हम। अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है ये हमको पिछले एक लंबे समय से यहाँ पर लगातार क्लियर अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार हाइयर हाई हाइयर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है और जो स्टॉक है वो यहाँ पर लगातार अपने इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए ऊपर जा रहा है। स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर सपोर्ट लिया जिसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है और आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 10.66% की यहाँ पर एक बड़ी तेज़ी देखने को मिली। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें आज की तेज़ी के साथ हमको यहाँ पर स्टॉक में ब्रेकआउट भी यहाँ पर देखने को मिला है। जो ये स्टॉक है ये पिछले एक लंबे समय से यहाँ पर लगातार 13.5 इसका जो लेवल है इसी के नीचे यहाँ पर ट्रेड कर रहा था लेकिन आज स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया है। तो यहाँ से अगर स्टॉक में ये तेज़ी कंटिन्यू रहती है तो यहाँ से और तेज़ी की कंडीशन में हमारे पास स्टॉक में 16.33 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक ने इसको यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक बड़ी तेज़ी एक बड़ी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 19.54 और 22.24 तक के लेवल्स भी यहाँ से अभी देखने को मिल सकते हैं। वही यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ पर गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 13.56 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको भी यहाँ ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में 11.52 तक के लेवल्स भी यहाँ से अभी देखने को मिल सकते हैं ऐसे नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है। वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए। धन्यवाद।